मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये संख्या पद्धति चल रही थी, हमारी नंबर सिस्टम चल रहा था, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये आपका 11वां वीडियो है। एक चीज़ आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक रजिस्टर बना लें और पहले वीडियो क्लास को ले, पाठ्यक्रम समझ लें और पढ़ाने का हमारा तरीका क्या है वो समझ लें। उसके बाद अगला आपका वीडियो लें, दूसरा जो नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है, सारी डेफिनेशन संख्या से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन है नोट कर लें, उनको पढ़ लें और फिर आगे चलें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो इस क्लास को पढ़ने और लेने का कोई मतलब नहीं है, मेहनत आपको करना होगा। एग्ज़ाम अभी कोई नहीं होने जा रहे हैं, सारे एग्ज़ाम सस्पेंड किए जा रहे हैं, पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम मान करके चलिए 31 अक्टूबर के बाद डिसाइड करेगी सरकार कि कौन से एग्ज़ाम किस ऑर्डर में कराने हैं। आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए शॉर्ट मत करिए, किसी चीज़ का शॉर्ट मत करिए, आप विस्तार से लेकर के चलिए, अभ्यास करिए, तभी आपकी मैथ अच्छी हो पाएगी। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल आपके सामने लिखा है और यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2017 का 12 दिसंबर 13 दिसंबर 14 तक, मेरे ख्याल से मैंने डेट नहीं देखी, शुरुआती पेपर 12 दिसंबर 2017 का था क्योंकि तीन तीन शिफ्ट में हुए थे, कई पेपर हैं तो उनमें से एक ये तीन सवाल हमने उठाए। पहला था 11025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करिए, ऑप्शन दिया था। 500 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, ऑप्शन मैंने नहीं नोट किया। फिर ये 60 के गुणनखंडों की संख्या के और इसी तरह के कई थे, ये मैंने अपने मन से अभी लिख दिया है कि 30 के गुणनखंडों, गुणकों, अपवर्तकों की संख्या क्या है। तो इसमें तीन बातें क्यों लिख दी, उसमें सिंगल क्यों लिखी हैं, गुणकों को ही हम गुणनखंड कहते हैं और इसी को अपवर्तक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम फैक्टर कहते हैं, फैक्टर, ठीक है। तो जो गुणनखंड है वही गुणज है, वही अपवर्तक है और वही आपका फैक्टर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई मॉडल पेपरों में रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई में रिपीट हुआ। मैंने सिर्फ तीन लिए हैं, 12 वाले में और उसके बाद मेरे ख्याल से 13 वाले में या 12 के ही किसी शिफ्ट में ये रिपीट हो गया है। और आप यूथ कंपटीशन के मॉडल पेपर है मेरे पास कलेक्शन, आप भी मिलाइएगा उससे, ठीक है। अब सवाल को करते कैसे हैं इस पे बात करते हैं, इसको पहले बताएंगे इसके बाद इनको बताएंगे, ठीक है। पहले हम 30 को लेते हैं और डिटेल में बात करते हैं। 30 के अपवर्तकों की संख्या क्या है, ठीक है। 30 के गुण को लिख लेते हैं जो इनकी लैंग्वेज है, गुणकों की संख्या क्या है, ठीक है, संख्या क्या है ये लिखा है, 30 के गुणकों की संख्या क्या है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो एक पीछे के किसी वीडियो में हमने बताया था कि अपवर्तकों का औसत कैसे निकालते हैं या गुणनखंडों का औसत कैसे निकालते हैं। यहाँ आपसे सवाल पूछ लिया गया कि अपवर्तकों या गुणकों या गुणनखंडों की संख्या क्या है, यानी हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। तो पहले डिटेल्स में लिखाते हैं, 30 किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा स्वयं संख्या होती है, उसके बीच पड़ने वाली किसके, अगर इसको ले लें तो 1 और 30 इनके बीच पड़ने वाली वो सारी संख्याएं जो इसे पूर्णतया विभाजित कर दे, इसके अपवर्तक कहलाएंगे। तो यहाँ तो छोटा था, ये भी छोटा है, पता चल जाएगा, लेकिन ये दुर्लभ है, मुश्किल काम हो जाएगा ना कि सबसे बड़ा वो हो गया, छोटा ये, पता नहीं किस किस से कटेंगे। इसको आप देखिए, इसका सबसे छोटा अपवर्तक 1 है, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, फिर ये 3 से भी कट जाएगा, फिर ये 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, ये 10 से भी कटेगा, ये 15 से भी कटेगा और ये 30 से भी कटेगा। काउंट करिए, 4 और 4 8,
यानी 30 के गुणकों की संख्या कितनी है? 8 है। 30 के गुणकों की संख्या 8 है। अभी इसका था तो इतना बड़ा है, आपने निकाल लिया, इसका नहीं निकाल पाएंगे ऐसे, तो मैं आपको एक बेस्ट नियम बताता हूँ, आप उससे करिए। 30 के गुणकों की संख्या 8 है, पहले इसी को करके दिखा देते हैं 60 में, है ना। और चाहे गुणनखंड पूछे, चाहे गुणक पूछे, और चाहे अपवर्तक पूछे या फैक्टर लिख दे, तो आप बात एक ही समझना, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना है आपको, 30 लिखे, इसको आप 2 से काटिए, कट जाएगा ना, 15 आ गया। अभी 3 से काटिए कितना होगा, 5 हो जाएगा। अभी 5 से काटोगे तो 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, सब 1-1 टाइम है। जब 1-1 टाइम हो तो 2-2 टाइम ले लेना, जब 2-2 टाइम हो तो 3-3 टाइम ले लेना, जब 3-3 टाइम हो तो 4-4 टाइम ले लेना। मतलब क्या है, अगर एक पावर है तो 2 ले लो, एक पावर है तो 2 ले लो, संख्या से मतलब नहीं है, एक पावर है तो 2 ले लो, 2 × 4 × 8, गुणकों की संख्या 8 है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही तेज़ी से बता सकते हैं, अदरवाइज कठिन तरीका है वो। फिर से देखिए 60 वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। 60 के गुणकों की संख्या क्या है, तो यहाँ 60 लिख लेते हैं। चल किससे काटें, 2 से काटेंगे पहले 30, अभी फिर 2 से कटेगा 15, अभी फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा ना, तो 5 आ जाएगा, और 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 2 कितने टाइम्स है, 2 बार है ना, और 3 कितने बार है, 1 बार है, और 5 कितने बार, 1 बार, लिख लिया ना। अभी हमने कहा था 2 पावर हो तो 3 ले लेना, एक पावर है तो 2 ले लेना, और एक पावर है तो 2 ले, एक बढ़ा के, तो 2 × 4 = 12। इसमें गुणकों की संख्या 12 होगी। आपका उत्तर क्या है, 12। यहाँ उत्तर क्या आया था, 8। हमने ऑप्शन नहीं लिखा, जगह घेरता है ना। चलो 500 के गुणकन खंडों की संख्या निकाल लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत तेज़ी से करोगे, है ना। 500 के गुणकों की संख्या क्या है, ये पेपर से ज़रूर मिलाइएगा, मॉडल पेपर आप चाहो तो ले लो, यूथ कंपटीशन का है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजन वगैरह पे देखना, ले लो उसको, तो थोड़ा संतुष्टि होती है ना, और किसी पे पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, परीक्षण करते रहना चाहिए, ठीक है। तो परीक्षण करो, प्रयोग करो, लेकिन उद्देश्य पॉजिटिव होना चाहिए परीक्षण का, है ना। 500 के गुणकों की संख्या क्या है, फिर वही तरीका, 2 से शुरू करो, 250 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 125 हो जाएगा, अभी 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये 5 से कट जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो हमने कहा था 2 पावर हो तो 3 लिख लेना, संख्या नहीं देखनी, आधार नहीं देखना, घात देखनी है, और 3 पावर है तो 4 लिख लो, 4 × 3 = 12, इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12। अब चलो सबसे बड़ा वाला निकाल लेते हैं, 11025, इसके गुणकों की संख्या क्या होगी, 11025 में गुणकों की संख्या क्या है, तो 11025, एक चीज़ तो कन्फर्म है भाई, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कोई संख्या तभी कटती है जब यूनिट प्लेस पे 02468 हो, यानी इवन नंबर्स हो या जीरो हो, तो 2 से नहीं कटेगा। जब अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, 5, 2, 7, 2, 9 3 से कट जाएगी, 3 से खूब मजे में काटो, 3 × 9 एक 2 बच गया, तो 3×18 3×9 = 2 × 18 फिर 2 बच गया, 3×7 = 21 3×5 = 15 3 से क्या फिर कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से अंकों का योग ही 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ये देखिए
अब 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, अभी फिर 5 से कटेगा, 5 × 4 = 20 और 5 × 9 = 45, अब 7 दिख ही रहा है कि 7 × 7 = 49, 7 + 7, अभी 3 कितने बार है, 2 बार, और 5 कितने बार है, 2 बार, 7 कितने बार है, 2 बार, है ना, 2 बार है ना, ये सब 3 2 बार, 5 2 बार, 7 2 बार, 2 2 बार है तो कितने बार लेंगे, 3 3 बार, 3 ये 3 ये 3 ये, 3 × 3 = 9 = 27 के गुणकों की संख्या 27 है, डी आंसर सही है। मेरे ख्याल से अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सवाल बहुत ही मज़े में आ गया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर साइट पे नीचे दिया है जो 9415788379 है, व्हाट्सअप करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपना नाम लिख के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर और 6 नंबर दो अच्छे से एग्जाम्पल हैं और दोनों आपके UPSI के पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, आए हुए पेपर के, आप मिलाइएगा इसको। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या है। इस सवाल में आप अंदाज़ा कतई नहीं लगा सकते, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बड़ी संख्या का 15% है और हमें डिफरेंस मालूम नहीं है। हाँ, ऑप्शन से कर सकते हो, संख्या पद्धति में ऑप्शन बहुत बड़ा सहारा है, और अगर है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे, बड़ी संख्या क्या है, ये सवाल है ना आपका, बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें बड़ी संख्या ही तो दिया होगा ऑप्शन में, तो और कुछ नहीं दिया होगा, तो 60% उसका निकाल लो और उसी से घटा दो, इसी का 60% निकाल के उसी से घटा दो, यदि 10 आ जाए तो सही है, तो इसका तो होगा नहीं, इसका नहीं होगा, इसका आंसर ये सही है, 25 का 60% होगा 15 और 25 से 15 घटा दोगे 10 आ जाएगा, सही है, तो ऑप्शन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम आपको नियम भी बताते हैं, नियम जब जानते हैं तो अंदर से दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। माना बड़ी संख्या एक्स है, माना बड़ी संख्या एक्स है, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, तो अंतर दो संख्याओं के बीच, बड़ी संख्या एक्स है, छोटी 10 है, ये है दोनों के बीच का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, कौन सा दो संख्या, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, बड़ी वाली हमको मालूम नहीं है, एक्स मान लिया, छोटी वाली मालूम था, तो x − 10 क्या हुआ, दोनों संख्याओं का अंतर हुआ, और ये किसके बराबर है आप बताइए, किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 60%, बड़ी संख्या क्या है, x है, x का 60% क्या होगा, ये लिख देते हैं, ठीक है, अभी सॉल्व करूँगा आपके सामने, x − 10 जो इक्वल है, ये बराबर है x × 60/100, क्यों 100 लिख दिया नीचे, क्योंकि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जैसे ही ये निशान हटेगा परसेंटेज वाला, वैसे ही नीचे 100 आएगा और का गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बेसिक बात, ठीक है, x का 60% का की जगह गुणा 60/100, ये निशान हटते ही 100, क्यों, इस निशान का मतलब ही 100 है, प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है, डिनोमिनेटर, अब इसको और काट दो, 3 5, यानी x × 3/5, राइट, या 3x लिख लो, x − 10 इधर लिखा है, पक्षांतर कर 5 से इधर, 5x माइनस, दोनों को गुणा होगा ना, 5 × 50, 5x और 5 × 50 बराबर 3x, 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा बराबर 50, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 25, अभी आप कह रहे थे बड़ी संख्या x है, आप क्या बोलोगे, 25 है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है,
सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम। वीडियो संख्या पद्धति का जो पहला है उसमें इसकी डेफिनेशन हमने दी है, परिभाषा वहाँ से पढ़िए, ठीक है। सह अभाज्य, सह अभाज्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम से ही को प्राइम बना है, राइट। सह अभाज्य, अभाज्य और क्रमागत। सह अभाज्य, अभाज्य, क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार। संख्याओं का माशा सदैव एक होता है, SCF यानी, और LCM इनके गुणनफल के इक्वल होता है, तो कभी निकालते नहीं हैं। सह अभाज्य, अभाज्य और क्रमागत, संख्याओं का लाशा माशा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। माशा हमेशा 1 होगा और लाशा इनका गुणनफल होगा। तो इसमें कोप्राइम नंबर्स कौन सा है? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका HCF 1 होता है। इसका कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन ना हो, इसका कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन ना हो, तो वो पेयर, युग्म माने पेयर, जोड़ा सह अभाज्य कहलाएगा। एक उदाहरण दिखाते हैं। 3 और 5 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है, इसका कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है। 7, 16 ये कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का डेफिनेशन दी है, उसमें पढ़िएगा। एक ऐसी संख्या जो अपने और एक के सिवा किसी और से भी कट जाए, कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। प्राइम नंबर अपने और एक के सिवा किसी से न कटे, अर्थात जिसके 2 गुणनखंड हो। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है कंपोजिट यानी यौगिक संख्या, और सिर्फ 2 गुणनखंड है तो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य, जिसको उर्दू में अभाज्य को रूढ़ कहते हैं। अभी एक सवाल पूछा गया था UPSI में, निम्नलिखित में से रूढ़ संख्या कौन सी है, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये 7 और 16 इसका कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है, इसका कोई भी इसमें नहीं, तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स हो गया, सह अभाज्य संख्या। तो इसमें तो 2 कॉमन दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता। 23 51 23 और 23 94 92 ये उसमें पूरी तरह से कॉमन है। इसमें 3 कॉमन है, 3 1 3 3 1 3 3 7 21 3 8 24 ये सही आंसर है। इसका कोई भी फैक्टर उसमें कॉमन नहीं है, इसका कोई भी इसमें नहीं है, क्यों? आइए दिखाते हैं। 18 का मतलब 2 × 3 × 3 और 35 का मतलब 5 × 7। कोई भी फैक्टर एक दूसरे में कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 होता है। दिस इज को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। तो मतलब समझ गए होंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका मासा 1 हो, यानी उनमें एक के सिवाय कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्लियर हो गए? आइए अगले सवाल पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 नंबर, दोनों आपके पेपर के हैं, ये मिलाइएगा, देखिएगा आप खुद ही। 7 नंबर पे क्या लिखा है? प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के इक्वल है। दूसरी संख्या एवं प्रथम संख्या के बीच का रेशियो क्या है, यानी सेकेंड और फर्स्ट नंबर के बीच रेशियो क्या है? तो आप देखिए, 2 तरीके से बता देते हैं आपको। प्रथम संख्या का 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। प्रथम संख्या का 1/2 यानी फर्स्ट का 50%, है ना। दूसरी संख्या के 0.25, तो 0.25 को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो 25% हो जाएगा। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, चेक कर लेना। जैसे 0.25 है तो × 100 25% हो गया, ठीक है। अगर कहीं लिखा है 0.5 तो फिर गुणा 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 5 ऐसे, और यहाँ 0 लग जाएगा, 50%। 0.03 लिखा है तो गुणे 100 से करोगे तो 300, लेकिन 0 यहाँ लगेगा तो कितना हो जाएगा? 3%।
यानी दशमलवों को फ्रैक्शन परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये 25% हो गया। सेकंड नंबर का 25% ये हो गया। अब सेकंड का फर्स्ट के साथ रेशियो बताना है, तो 1/25 और 1/50, वैसे दो में पलट भी सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं होता है ना। प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 25.25 के बराबर है, तो दूसरी का पहली के साथ रेशियो ये कितना हो गया, एलसीएम 50, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते तो फ्रैक्शन में बदल लो, तो दशमलव को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अभी देखो, दशमलव 2-5 है, 100 से भाग दोगे तो ये आपका हो जाएगा, और 0.25 है, नीचे 100 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4। तो अभी 1/4 का 1/2 के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर बटा में बराबर होती है, देखिए 1/4 और 1/2 इक्वल है, तो इसके बराबर हम k मान लेते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ का 1/4 1/2 के इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये k के बराबर इक्वल है। तो 4k और ये 2k हो जाएगा, तो 4k और 2k में रिलेशन क्या होगा, k कट जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे इस तरह से करो या उस तरह से करो या दशमलव से करो, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ बटा में बराबर होती है तो सीधा लिख लेना, ये मैं पीछे बता भी चुका हूँ, और अगर परसेंटेज में, दशमलव में या गुना में बराबर हो तो इनवर्स रेशियो निकाल लेना, विलोम अनुपात निकाल लेना। एक छोटा सा उदाहरण बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए पी का 40% बराबर क्यू का 60% और बराबर आर का 90%, ऐसा लिखा है, तो पी क्यू आर में अनुपात क्या है, पी क्यू आर में रिलेशन क्या है, कुछ नहीं करना, इन्वर्स निकालना है 1/40, 1/60 और 1/90। एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, 360, 4 9 9, 6 6 और 9 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी पी क्यू आर में रिलेशन 9 6 और 4 का है। तो परसेंटेज या दशमलव या गुना में कोई चीज़ बराबर हो, ये भी हो सकता था पी का 4 गुना, क्यू का 6 गुना, आर का 9 गुना यदि बराबर है ना। और अगर बटा में बराबर हो तो बता देते हैं आपको तरीका क्या होगा। जैसे पहली संख्या का 2/2 बराबर है दूसरी संख्या के 3/3 बराबर है तीसरी संख्या के 5/5, ये आपस में इक्वल है, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या में रिलेशन क्या है। आप कुछ मत करिएगा, जो हर लिखे हैं उन्हीं को उतार दीजिएगा, यही है, कुछ मत करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करा दूं कैसे, देखिए सपोज ये बराबर k है, तो फर्स्ट बराबर क्या हो गया, 2k, सेकेंड बराबर 3k और थर्ड बराबर 4k, के कट जाएगा 5k, तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजी वे में इसका आंसर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर होती चलें, है ना। ये सवाल देखिए, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, जिन्हें यदि इससे डिवाइड किया जाए, और तो प्रत्येक का शेषफल 3 हो, मतलब 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 5 6 7 8 से भाग दिया जाए तो उनका शेषफल 3 हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पता करते हैं भाई। सबसे पहले जब ग्रुप ऑफ नंबर दिया हो तो तुरंत एलसीएम ले लिया करो, ये ग्रुप ऑफ नंबर है ना, कई संख्याएं हैं, एक होता तो दिक्कत आता। 5 6 7 8, अब इसमें सिर्फ 2 कॉमन है, आप देखिए बाकी कुछ कॉमन नहीं है। अगर हम इसमें पूरे में देख लें
तो केवल दो कॉमन है, ये तो वही रहेगा, ये तीन हो जाएगा, ये सात रहेगा और ये चार हो जाएगा, बस ये सारे के सारे को प्राइम है, ऐसे गुणा कर लो, यही एलसीएम होगा, ये यहाँ तक। तो गुणा करते हैं और यहाँ से सरल तरीके से करते हैं, पाँच दूनी दस और दस तियाई तीस और सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस गुणे तीस तो अट्ठाईस तियाई हो गया चौरासी, आठ सौ चालीस, ये हो गया एलसीएम 840, ठीक है। अभी कह रहा तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें इनसे इनसे यदि भाग दिया जाए तो प्रत्येक का शेषफल तीन हो, तो पहली संख्या तो 840 प्लस तीन 843 है, और तीन अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये है। पहली संख्या अगर ये है तो अगली कौन सी होगी, अरे अगली संख्या जो होगी वो 840 गुणे दो प्लस तीन होगी, तो ये 1680 प्लस तीन 1683 होगी, तो तीन अंक की रह नहीं गई, चार अंक की हो गई, यानी ओनली वन नंबर्स है ये, पहला ऑप्शन सही है, केवल एक संख्या है तीन अंक की जो पाँच छः सात आठ से भाग देने पे और तीन शेष छोड़ दे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नौ नंबर और दस नंबर, ये दोनों भी आपके पेपर के ही हैं, 12, 13, 14 इन्हीं तीनों डेटों में देखिएगा क्योंकि शुरुआत के ही मैंने देखे हैं, अभी आगे और कराने हैं। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 एवं 15 से विभाज्य हो, ठीक है। पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 टाइम 9, अगर इसमें एक भी हम जोड़ दें तो ये 6 अंक की बन जाएगी और 1 लाख हो जाएगा, 99,999, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ नंबर दिया है, तुरंत क्या करोगे एलसीएम लोगे, जब भी कहे कि इन 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 से विभाजित हो जाए तो आप एलसीएम ले लिया करो, तो 7, 9, 11, 13 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो अभी देखिए ये संख्या है अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। तो दो तो ले लिया, अब बाकी सबको गुणा कर दो, चूंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लासा होता है, तो जब इसको आप गुणा करोगे तो 45 0 45 आएगा, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। सबको गुणा करिएगा, वही एलसीएम होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो 45 0 45 एलसीएम हो जाएगा। क्या लिखा है इसको पढ़ो जरा, 45,045 और 99,999 है, तो जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो 990, इधर 90 कर दो, 45 दूना 45 दूना 90 0 90,090, क्योंकि अगर तीन से गुणा कर देंगे तो 1,35,000 कुछ हो जाएगा, और 1,35,000 का मतलब 6 अंक बन जाएंगे, अगर हम इसको तीन से गुणा कर दें तो 6 अंक की बन जाएगी, तो 6 अंक तो हमें अलाउ नहीं है, तो मैक्सिमम 5 अंक अलाउ है, तो डबल कर देते हैं, और यही वो संख्या है जो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और इन इन से कट जाएगी, 7, 9, 11, 13 और 15 से, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब पीछे हमने एक और तरीका आपको बताया था, तो वो इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर छोटा एलसीएम होता तब तो अप्लाई करते, क्या था कि ये लिख लेते हैं, इससे डिवाइड करो, दो बार जाएगा, दो से गुणा करो, ये आ जाएगा, अब घटाओ इसको क्या होगा, 9 यहाँ 0 फिर यहाँ 9 फिर यहाँ 9, इतना आ गया। अब जो बताया था कि शेष आए वो डायरेक्ट इससे घटा देना ऊपर से इससे, तो 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, सही है, इसको घटा रहा हूँ देखिएगा, इससे ये नीचे वाला, तो 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 0 गया तो 9 हो गया, फिर 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया तो 0 और 9 उतार लो ऊपर वाला, है ना, इसको घटा रहा हूँ इससे, ये चीज़ ध्यान रखना, इससे बीच वाले से मतलब नहीं है, तो जो शेष आता है उसको सीधे घटा देते, तो देखिए फिर वही आंसर आ गया कि नहीं, लेकिन ये करने की क्या ज़रूरत है, 45,000 दूना 90,000 और तीन बार करोगे तो 1,45,000 हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा।
ये सब आपके आए सवाल हैं, देख करके आंसर टिक कर सकते हैं, बस अभ्यास आप करिए और कॉन्फिडेंस लाइए। अगला सवाल बहुत अच्छा है और ये दशमलव भिन्न का सवाल है, संख्या पद्धति में आ गया, यहाँ सॉल्व करा रहे, कोई बड़ा मैटर नहीं है। देख लो क्या लिखा है, 2, 3 ये पूर्णांक है, दशमलव के पहले के अंक पूर्णांक, 2, 3, 4, 3, 4 और आगे इस तरह से डैश लगा है। कहा जा रहा है को सबसे छोटे भिन्नांक के रूप में, सबसे छोटे फ्रैक्शन के रूप में लिखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और इसके बाद पता लगाइए कि अंश यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कितना ज़्यादा है। अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड लेवल का है, ऐसे तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि क्या आंसर होगा, ना तुक्का लगेगा इसमें। अच्छा इसकी देखिए शकल चेंज करते हैं, ये जिस पे हमने बार लगा दिया इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब आप दशमलव भिन्न पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, हल्का सा यहाँ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी है, ये तो इसका मतलब क्या है, 0.57 का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है हमेशा। तो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है इस तरह से लिख लेंगे इसको, ये जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करते हैं, तो 57/99 और ये किससे कट जाएगा, 3 से कट सकता है, 19 × 57 तो 19/33 आ गया, ये इसका आंसर होगा। सबसे छोटे भिन्नांक में परिवर्तित कर दिया, देखिए इसको हमने सबसे छोटे भिन्नांक में परिवर्तित कर दिया, और अंश ये है, हर ये है, अंतर आप बता सकते हो, ठीक है। बाय द वे ये इस तरह से होता, 0.5777 तो इसका मतलब है कि 0.57 की रिपीटेशन हो रही है। तो दशमलव के बाद ही जो पूरी संख्या लिखी हुई है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है को पूरी संख्या से घटा लो, पूरी संख्या यहाँ पे 0.57 है यानी दशमलव के बाद वाली, तो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको पूरी संख्या यानी 57 से घटा दो, कितना बचेगा, 52। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है 0 का प्रयोग करते हैं, राइट में लिखते हैं। तो इसके लिए 9 लेफ्ट में और इसके लिए 0 राइट में, ये 26/45 हो गया। ये इसको कैलकुलेटर से काट के देखिएगा, आपको ऐसा दिखेगा, उस वाले को देखेंगे तो 57 57 57 दिखेगा। तो बाकी हम आपको दशमलव भिन्न पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल हल कर देते हैं, 23 अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा जिसकी पुनरावृत्ति नहीं को पूरे से, पूरा का मतलब 234 से, तो ये 200 कितना हो जाएगा, 32 और बटे ये 9, 9 जिसकी पुनरावृत्ति 9, 9 जिसके लिए नहीं 0, यानी 23 सही 232/990 हो गया। अभी इसको काट दो, जितना कट जाए, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट देते हैं, तो 23 सही 116/4 और 2 × 8 = 1, 495 है ना। अब नहीं कटेगा किसी से, क्यों अब नहीं कटेगा, तो 495 का 23 में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 495 का 23 में गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, कर ही लेते हैं, चलिए आपको तो करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, कोई विकल्प नहीं है, 23 3 × 15 = 5 कैरी हुआ 1, 3 × 9 = 27 1 × 28 = 8 कैरी हुआ 2, 3 × 12 = 13 × 14 इसको 990 लिख लेते हैं, ये है ना। तो 5, 8 और 3 = 11 11 × 385 अब 116 जोड़ दो, ऐसे ही तो करते, इसको गुणा करके ये जोड़ोगे, 116 जोड़ो, 5 और 6 = 11 यहाँ 8 1 9 1 10 = 0 3 1 4 1 5
11501 आ गया, 11501 बटे 495। अब अंश ये है, हर ये है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सबसे छोटे भिन्नांक यही है, तो अंश हर से बड़ा कितना है, तो 11501 से 495 घटाना पड़ेगा, तो 11006 ये आ जाएगा आपका आंसर, ये सही है। अब ये सवाल कठिन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन था, गुणा तो करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, कैलकुलेटर दे देते तो ठीक था, कैलकुलेटर है नहीं तो गुणा करना पड़ेगा, इसलिए अभ्यास करो। 23 का टेबल आ रहा होता तो तेजी हो जाती, आता है 23 का टेबल, 23 पंचे 115 के 5 कैरी हुआ 11 और 23 दिया 207 हो जाएगा, और आप इसको कर लेंगे, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कर लोगे तो टेबल वगैरह थोड़ा सा याद रखो, है ना, टेबल वगैरह आपको याद रहेगा तो इजी वे हो जाएगा काम करने में, है ना। ये 10 सवाल हमने आपको बता दिए हैं इसमें, है ना, और पार्ट 11 था, कल पार्ट 11 नंबर ये है 12 बताएंगे, उसमें भी कुछ आए हुए सवाल एग्ज़ाम के बताएंगे, सभी सवाल नहीं हल कराएंगे क्योंकि काफ़ी तो एक जैसे हैं, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने से, कल थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन मान के चलिए 15, 16, 18 करा देंगे इसी वीडियो में, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आते हैं। एक छोटी सी बात चलते चलते बता देते हैं, बाय द वे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 के टेबल का योग क्या है, एक दो जगह सवाल आया था, मैंने देखा था, तो अभी बता देते हैं एक मिनट में, 2 के टेबल का योग क्या है, टेबल को हिंदी में क्या बोलते हो, पहाड़ा, पहाड़ा ही तो करते थे टेबल, 2 2 2 4 2 2 2 3 6 2 4 8 है ना, ये टेबल, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यही तो टेबल हुआ 2 का, सही है ना, 2 2 4 3 6 4 8 10 12 14 16 18 20 सही है, 10 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई पूछ ले कि इसका योग क्या है तो जोड़ लोगे, है ना, इसका योग जोड़ोगे तो 2 4 6 6 12 8 20 हो गया, यहाँ तक 20 हो गया, 10 30 हो गया, 30 10 40 2 42 हो गया, ये 56 हो गया, 56 और 16 70 हो गया, और 70 गलत जोड़ दिए कहीं ना, 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30 30 10 40 2 42 और ये 56 ये 72 हो गया, 72 8 रही 90 भी 110 हो गया, है ना, 2 के टेबल का। अच्छा अगर 13 के टेबल का योग कोई पूछ ले तब तो असंभव हो जाएगा, 13 26 तो कुछ नहीं करना, किसी भी टेबल का योग कोई पूछे 55 से गुणा कर देना, 55 × 2 110, मान लो पूछे कि 10 का टेबल क्या है तो 10 × 55 550, 13 का टेबल पूछ रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 55 से गुणा करना, सबको 55 से, किसी के टेबल का योग पूछे तो 55 से गुणा कर देना बस, ठीक है। और अब इसके 12 नंबर क्लास में मिलेंगे तो उसमें कुछ आए हुए क्वेश्चन चर्चा कर देंगे और उसके बाद सरलीकरण पे चलेंगे, फिर दशमलव भिन्न, फिर LCM SCM और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शुभकामनाएं, धन्यवाद।